प्रधानमंत्री मोदी ने जब दूसरी बार सत्ता संभाली तो 15 दिनों के अंदर 3 कैबिनेट मीटिंग कर साफ संकेत दे दिए थे कि इस बार भी नतीजे देने होंगे। दूसरे कार्यकाल की खास बात यह है कि सरकार लगातार उन मुद्दों को अमली जामा पहना रही है जिस पर पहले कार्यकाल में हिचक दिखाई देती थी। दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन बहुत ही अहम रहे। 100 दिन का ये सफर अनुच्छेद 370, 3 तलाक, नए मोटर वाहन कानून जैसे ऐतिहासिक साहसिक फैसलों के नाम रहा। यही नहीं, संसद में भी रिकॉर्ड कायम किया गया। ट्रिपल तलाक बिल कानून बना। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का सफाया। 10 सरकारी बैंकों का विलय। दूसरी पारी में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मोदी सरकार ने अपने उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। इसके लिए सरकार के मंत्री अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिसे दुनिया भर में मोदी 2.0 कहते हैं, उस कार्यकाल के 100 दिन के समय पूरा हुआ और आज तक किसी भी सरकार में सरकार बनते ही 100 दिन में इतने महत्वपूर्ण और इतने सभी निर्णय शायद ही कभी हुए होंगे। गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, इनको सक्षम बनाने के निर्णय, इन्हीं सभी वर्गों को सुरक्षा कवच देने वाले निर्णय और सहृदयता का परिचय देने वाले अनेक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वहीं पीएम मोदी ने 8 सितंबर को हरियाणा की एक रैली में कहा कि 100 दिन देश में विकास, विश्वास और बड़े बदलाव के रहे। ये 100 दिन निश्चितता, प्रतिबद्धता और अच्छी मंशा के रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों में जो भी बड़े निर्णय किए गए उनके पीछे प्रेरणा 130 करोड़ भारतीयों की रही है। मैं हरियाणा ऐसे समय आया हूं जब केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार के नए कार्यकाल के भी 100 दिन हो रहे हैं। और 100 दिन में कुछ लोगों तो समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ लोग तो चुनाव पराजय से इतने बेहाल है कि मन सुन्न हो गया है उनका। ये 100 दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं, देश में बड़े बड़े परिवर्तन के रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए अब सरकार का फोकस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने पर काम करना होगा। साथ ही कश्मीर में हालात सामान्य करने पर भी पूरा जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।